वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज के मैप। तो के मैप क्या होता है कि आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन है ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप की नीड है। लाइक लॉजिक गेट्स के थ्रू अपन ने निकाला था एंड का, क्या निकाला था, ए बी निकाला था। उसी प्रकार के मैप को यूज करके अपन एंड का निकालेंगे ए बी, या किसी भी फंक्शन का बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईजिएस्ट वे के अंदर। इसलिए हमें के मैप की नीड है। तो देखो, के मैप भी अलग अलग वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि दो वेरिएबल पे, तीन पे, चार पे, पांच पे भी होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टू वेरिएबल का। तो देखो टू वेरिएबल में क्या होता है, तो देखो टू वेरिएबल में क्या होता है, जैसे कि ए और बी या कोई सा भी मान लो, तो इसके अंदर टू है तो मैक्सिमम केस चार ही होंगे। बताते हैं कैसे। देखो ए और बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो या फिर वन। ओके, या तो जीरो या फिर वन। तो जीरो जीरो को क्या लिख सकते हो आप, जीरो। एंड जीरो वन को क्या लिख सकते हो, वन। वन जीरो को बाइनरी, तो डेसिमल में क्या लिखते हो आप, टू। ठीक है, वन वन को क्या लिखते हो, थ्री लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पेस पास होता है किसका, टू वेरिएबल का। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा लॉजिक गेट्स के बारे में, सॉरी हाँ, जितने भी गेट हैं उनको प्रूफ करके बताऊंगा के मैप के थ्रू। तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एंड गेट से। ठीक है, एंड गेट की बात करूं तो उसको प्रूफ करके बताता हूं मैं के मैप के थ्रू। तो सिंपली उसकी टेबल याद है क्या आपको, जिसको टेबल पता है ना भाई, वो आधा गेम तो वहीं जीत गया। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, डेट्स ऑल। एंड आउटपुट क्या होगा, जीरो 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 वन। ये चीज़ याद रखो बस। अब आपको वही के मैप बनाना है, तो देखो जीरो वन ए बी के लिए, जीरो वन। ठीक है, आपकी टेबल बन गई यहाँ पे, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री। जीरो जीरो पे आउटपुट बताएं मुझे, जीरो जीरो है नहीं लिखेंगे। और जीरो वन पे बताओ, जीरो है नहीं लिखना, केवल जहाँ पे वन है उसका ही लिखना है। तो वन वन कहाँ है, थ्री पर है, तो यहाँ लिख दो वन। तो इस केस में क्या है, ए की वैल्यू भी वन है और बी की वैल्यू भी वन है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आउटपुट निकलता है, इसकी वैल्यू भी वन है, उसकी वैल्यू भी वन है, तो ये निकलता है ए डॉट बी। तो इस प्रकार से हम क्या है, एंड गेट का यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया। आगे बात करूँ लाइक और गेट की, तो और गेट में क्या है, वही ए बी आपका वाई, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, वही वन, सॉरी जीरो वन वन वन। तीन केस में वन है, देखो इसमें मजा आएगा इस बार, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, वही आपका जीरो वन टू थ्री, जीरो में कुछ ही नहीं है, इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें वन है, राइट। अब आपको क्या है, कॉम्बिनेशन बनाने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लाइक इधर एक बन रहा है, ये देखो बन रहा है, नहीं बन रहा, इधर एक बन रहा है वर्टिकल में भी बना, नहीं बना, बन गया। अब आपको इसमें क्या देखना है कि एक किस, ए के लिए क्या है, वन है, इसके लिए भी क्या है, वन है, यानी अलग अलग इक्वेशन है, तो ए प्लस बी हो गया। कैसे हुआ, ये इक्वेशन नंबर टू मान लो, ये इक्वेशन नंबर वन डाल लो, तो वन और टू को ऐड करोगे ना आप, तो इक्वेशन वन का रिजल्ट क्या है, वन आ रहा है बाहर, इसके बाहर भी क्या है, वन है, तो ए प्लस बी हो गया। इस प्रकार अब आगे अगर मैं बात करूँ अगले गेट के लिए, तो ये देखो नैंड गेट की अपने टेबल पता है, ठीक है, वन 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 जीरो होती है। ओके, तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर वन भरे हैं तो अपन किस किस में फिल करेंगे, जीरो जीरो में, जीरो वन में, और वन जीरो में। ठीक है, तो एक लू एक इक्वेशन आपकी यहाँ बनती है टू और ये बनती है वन। तो इसके केस में देखो टॉप पे क्या है, जीरो, किसके लिए ये, हाँ किसके लिए इक्वेशन वन, बी के लिए आया है। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर टू हॉरिजॉन्टल ए के लिए आया है, ये भी ए बार, तो ए बार प्लस बी बार क्या होता है, ए बी का होल बार, तो ये हो गया नेंड के लिए। तो हमें क्या है, केवल बुलियन एक्सप्रेशन को ही रिप्रेजेंट करना है के मैप के थ्रू। तो सिंपली अपन को बस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ पे तो क्या है, पेयर बन रहा है इसलिए इनको लिया, सपोज करो चारों में वन वन होते तो चारों को एक साथ लेते। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, के मैप को सोल्व करते हैं। अब आगे वाले गेट में देखे तो नॉर में, देखो नॉर में क्या आता है, वन इधर ही आता है केवल, तो एक सिंगल है तो डॉट आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, जीरो और जीरो ऐसे होता है, देखो जीरो डॉट जीरो, तो ये डॉट में है तो इसको कन्वर्ट किया तो प्लस में आ गया, पूरे पर बाहर आ गया। एक जोर की देख लो, ये टेबल आपको पता ही है, इसके थ्रू यहाँ वन है और यहाँ वन है, तो ये दोनों अलग अलग है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ वन नहीं, यहाँ वन नहीं। अगर होता ऐसे ऐसे बनता नहीं, डायगोनल कभी नहीं बनता, ये याद रखना, डायगोनल कभी नहीं बनेगा। तो अलग अलग इक्वेशन हो गई। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ए वन है और बी जीरो है, तो ये क्या बन गया, ए बी बार। सेकंड में देखो यहाँ ए जीरो है, बी वन है, तो ए बार बी।
ये बन गया, दोनों को ऐड कर दो, ये लो तुम्हारी एक जोड़ की होगी। एक्स नोर की टेबल अपन जानते हैं कहाँ कहाँ वन होता है, यहाँ पे वन होता है, सेम वालों पर वन होता है, तो यहाँ यहाँ वन हो गया। इस केस में देखो ए बार बी बार ए बी, तो ये बन गई। तो इस प्रकार से हम के मैप के थ्रू अपने लॉजिक गेट्स को सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारा सिंपल के मैप, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब अपने नेक्स्ट में अपन बात करने वाले हैं कि थ्री वेरिएबल वाला, ये वाला थ्री वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और इसकी टेबल कैसे बनती है के मैप की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।